हेलो गाइस, चलिए आज के लेक्चर में आप लोगों का वेलकम है। और कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है। और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ रहे हो, बहुत मज़ा कर रहे होगे, ठीक है। बिल्कुल देखो, मस्त पढ़ना है अंदाज में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल मुश्किल नहीं आपको लग रहा होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कि अगर आपने जो है कोई वीडियो नहीं देखा, तो आप लगातार जा करके इसका जो प्लेलिस्ट है ना, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल का, वन बाय वन सारे वीडियोस आप देख लो, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कोई मुश्किल है और बहुत मजा आएगा। सारी चीज़ों पर मैंने डिस्कस किया है। साइमल्टेनियस लिमिट क्या होता है, रिपीटेड क्या होता है, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, एग्जिस्टेंस क्या होता है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लिमिट का भी, कंटिन्यूटी का भी, बहुत कुछ देखा, ठीक है। तो ओवरऑल आपको लगा होगा कि भाई मुश्किल तो है ही नहीं, काफ़ी आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो कुछ एक दो क्वेश्चन और भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, एक है आपका, आपको फंक्शन गिवेन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इस तरीके से दे रखा है आपको, एक्स वाई बाई मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है जी, वेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0, राइट। और फिर आपको दे रखा है 0 वेन एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। तो आपको बोलता है डिस्कस कंटिन्यूटी। क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोगों को डिस्कस करना है कंटिन्यूटी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 0, ठीक है जी। तो अब देखो, यहाँ पे अगर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो ना, तो आपका एग्जाम दो तरह का हो सकता है। या तो आप किसी कंपटीशन में हो गए, तो वहाँ पे तो ये एमसीक्यू होगा, तो वहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा तो ऑप्शन को आप ले लेना, ठीक है। और दूसरा आपका हो सकता है कि आप बीएससी लेवल पे हो या किसी ऐसे लेवल पे, यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके इसको करो, तो आप दोनों तरीके से बिंदास तरीके से कर सकते हो जी, ठीक है। अगर मान लो ये एमसीक्यू वाला है, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको लिमिट में भी कराया था, आप इसको देखते ही कह सकते हो। जैसे इसमें ऑप्शन दे देगा ना कि क्या है कंटिन्यूटी का क्या है, तो ये तो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे इसको कि ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये नॉट एग्जिस्ट करता है, नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0 0, ठीक है। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो जो भी ऑप्शन होगा उस पर आप काम कर लोगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी लगा करके बहुत क्विकली आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन तब लगाते हैं जब वो कंटिन्यूअस होता है। अगर ये नॉट कंटिन्यूअस है, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट कर रहा था, तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एप्सिलॉन डेल्टा का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जब हमको कंटिन्यूअस दिखाना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल फास्ट, अगर आप यहाँ पे देखो लिमिट चेकआउट करोगे, मैंने आपको बताया भी था, तो लिमिट साइमल्टेनियस लिमिट निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली जो लिमिट होता है वो क्या होता है, टू वेरिएबल में साइमल्टेनियस लिमिट ही होता है। और जो सेवरल वेरिएबल आप पढ़ते हो, तो एक्चुअली ये टू वेरिएबल के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे कर सकते हो, हियर लिखोगे आप, ठीक है, फंक्शन ले लोगे एक्स वाई बाई मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लिमिट पे कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो जो नॉन जीरो वाला होता है उसी को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो आपका सिंपली क्या है, फंक्शन एट 0 0 है, ठीक है जी। तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फंक्शन एट 0 0 का फिर काम ही नहीं रहेगा। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कैसे करूंगा, यहाँ पे अब चूंकि ये साइमल्टेनियस लिमिट है, तो साइमल्टेनियस लिमिट आपका तभी एग्जिस्ट करता है जब किसी भी पाथ से आप एक्स और वाई को 0 0 अप्रोच कराओ, ठीक है। उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पाथ ले लेता हूँ, ठीक है, रेडियल लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स। ये सब हम लोगों ने बात किया है काफी अच्छे से, तो अलोंग दिस लाइन ले रहे हैं, ठीक है। अलोंग दिस लाइन लेंगे तो वाई इक्वल टू एम एक्स पुट कर दीजिए, तो एक्स हो गया, एम एक्स हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एम एक्स, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक्स टेंडिंग टू 0 बचेगा, चूंकि एक्स और वाई दोनों था, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का फंक्शन था, ठीक है, दोनों वेरिएबल था। लेकिन अब आपका सिर्फ एक्स बचा है, तो आप ओनली एक्स टेंडिंग टू 0 लेंगे, ठीक है। चलो फिर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऊपर आ जा रहा है एम एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जा रहा है, नीचे आ जा रहा है हमारा मॉड ऑफ एम एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मॉड प्रॉपर्टी है आप वो यूज करोगे, सिंपली आपका काम हो जाएगा। मॉड प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो पहले यहाँ पे ये कि एम एक्स स्क्वायर को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ठीक है, मॉड एम मॉड एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब फिर यहाँ पे मॉड एक्स स्क्वायर को मैं सिंपली, मॉड एम को तो मैं वैसे ही रखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्यों, तो प्रॉपर्टी होता है जब आप मॉड में ए इंटू बी में काम करते हैं, तो आप उसको अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्लस में या माइनस में काम करते हैं, तो ये होता है मॉड ए प्लस मॉड बी। ये सब सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तभी यहाँ पे इंटू था, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और चूंकि m के बारे में कुछ पता नहीं है, आपने रेडियल लाइन लिया है y इक्वल टू एम एक्स, जहां m क्या है, रियल है।
यानी m आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो मैंने m को मॉड में रखा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का मॉड मैंने हटा दिया, ये कैसे हटा दिया भाई, इसको भी देख लो यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि मॉड एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्यों, इसलिए कि अगर कोई मॉड एक्स है तो वो सिंपली एक्स ही निकलता है, जो अंदर है वही निकल जाता है, अगर एक्स क्या हो, पॉजिटिव हो या जीरो हो, ठीक है, और अगर लेस देन जीरो है तो क्या निकलता है, माइनस में निकलता है, यही आपको पता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अंदर में एक्स स्क्वायर है, अब नो डाउट क्या होगा, एक्स स्क्वायर आपका जीरो होगा या तो उससे बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है किसी भी रियल के लिए, तो ये डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मॉड से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो उसको निकाल दिया। तो छोटी छोटी बातें हैं, पहले भी आप जानते होंगे, मैं बस आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन किसी को रह गया हो तो वो ना रहे। तो चलो, तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके, हम लोग देखो यहाँ तक पहुँच चुके, तो अब यहाँ पे सिंपली ये इसको हम लोग कैसे लिखेंगे बताओ, लिमिट हमारा आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है, ऊपर में क्या है, ऊपर में है एम एक्स स्क्वायर, नीचे आपका आ गया मॉड एम और एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपका कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बच रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एम बाई मॉड एम, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, चूंकि एक्सटेंडिंग टू जीरो है बट एम बाई मॉड एम है, ये या तो प्लस वन होगा या तो माइनस वन होगा, कोई एक वैल्यू तो होगा नहीं, या तो प्लस वन होगा या तो माइनस वन होगा, ठीक है, अगर मॉड एम आपका सिर्फ एम होता है तो वो प्लस वन देगा, और आपका मॉड एम अगर माइनस एम होता है तो आपको माइनस वन देगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आप देख सकते हो आपके अलग अलग आ रहा है अलग अलग पाथ लेने से, क्योंकि आपने पाथ क्या लिया था, आपने पाथ लिया था y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, तो y इक्वल टू एम एक्स में क्या होता है, m आपका रियल होता है, तो यानी अगर मैं m को पॉजिटिव लूंगा, m आपका क्या होता है, रियल होता है, यहाँ पे m बिलोंग्स टू r, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं m बिलोंग्स टू r। तो आप समझिए, यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि जब हम लोग y इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, तो हमारा लिमिट वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा लिमिट वैल्यू आ रहा है एम बाई मॉड एम, ठीक है, यानी या तो प्लस वन आएगा या तो माइनस वन आएगा, ठीक है जी। अच्छा, प्लस वन कब आएगा, जब आपका एम पॉजिटिव होगा, यानी एम को अगर आप टू एक्स लोगे, ठीक है, वाई इक्वल टू थ्री एक्स लोगे, वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स लोगे, इस तरह का अगर आप एम पॉजिटिव लेते हो तो आपको प्लस वन मिलता है, लेकिन अगर आप वाई एम का वैल्यू माइनस वन लोगे, यानी ऐसा कुछ लोगे पाथ, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, आपको माइनस वन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि हमको अलग अलग पाथ से अलग अलग वैल्यूज मिल रहे हैं, डेफिनेटली आपका क्या है, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो, जो मेरा एफ एक्स वाई है, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते, देयरफॉर क्या, जो फंक्शन है वो क्या है आपका, इज डिसकंटिन्यूअस, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है जी। इस तरीके से काम करना है, बिल्कुल आसानी से आप इस तरीके से काम कर सकेंगे, ठीक है। चलो और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे, ये तो हो गया, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे टू नंबर देखो है हमारा, कि आपको दिया हुआ है फंक्शन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, साइन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये दे रखा है, जब हमारा क्या है एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो है, और आपको जीरो दे रखा है जब एक्स वाई क्या है, जब एक्स वाई आपका जीरो जीरो है, ठीक है। तो आपको बोलता है कि आप यहाँ पे फंक्शन का कंटिन्यूटी बताइए, तो देख सकते हैं काफी इजिली बता पाएंगे इसको भी। यहाँ पे देखो, अगर एक बार देख लिया जाए लिमिट, तो लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, नो डाउट है ना, अगर मैं लिमिट देख लूं तो लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी, ये क्या आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हम साइमल्टेनियस लिमिट अप्लाई करें जीरो जीरो, तो ये तो जीरो हो जा रहा है पहले वाला, ठीक है, और यहाँ पे साइन वन बाई जीरो का फॉर्म है, ठीक है, तो वो कुछ भी आपका जो है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, हालांकि दोनों यहाँ पर आपका स्क्वायर ही है, ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी ही लेके चलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये कुछ भी हो, क्योंकि इनफाइनाइट पर साइन का कोई वैल्यू कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये है कि माइनस वन से वन के ही बीच में ऑलवेज साइन का वैल्यू होता है, तो उसके इसमें जीरो इंटू समथिंग आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ओके। अगर आप कोई पाथ भी लोगे तो सारे ही पाथ से आपको यही वैल्यू नजर आएंगे, तो आपको यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, देयर आफ्टर हम इसका कंटिन्यूटी पे बात कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलो कंटिन्यूटी पे बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी को हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे जी? तो हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा मेथड यूज कर रहे हैं, डेल्टा डेफिनेशन मेथड, ठीक है। इसके लिए मैंने तरीका आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, एक्स वाई जो है वो अप्रोच कर रहा है जीरो जीरो को, ठीक है। यानी एक्स आपका जीरो पे जा रहा है, वाई भी हमारा जीरो पे जा रहा है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे नेबरहुड लेंगे अलोंग द एक्सिस, वो क्या लेंगे, तो वो ले लेते हैं लेट एक्स माइनस जीरो लेस देन डेल्टा एंड वाई माइनस जीरो लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया। इसका मतलब क्या है, सिंपली एक्स लेस देन डेल्टा एंड मॉड वाई लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब मैं इसको यूज करके ये देखूंगा कि जो मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का, वो पूरा होता है कि नहीं होता है। तो क्या है स्ट्रक्चर, तो मेरे को एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू देखना पड़ेगा कि ये किसी एप्सिलॉन पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटा होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू है देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। माइनस एफ जीरो जीरो क्या है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो एफ जीरो जीरो यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि एफ जीरो जीरो पे फंक्शन क्या है, जीरो है, ठीक है। चलो इसको अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ गया जीरो। तो फाइनली क्या बच रहा है, बच रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये आपका बचेगा साइन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। चलो इसका मॉड अभी देखिए, अब ये सिंपली बचा है, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे अलग अलग कर सकता हूँ जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटू का फॉर्म में है तो अलग अलग किया जा सकता है। अब यहाँ पे इक्वल टू ही रहेगा। अब देखिए साइन का कुछ भी एंगल रहे, साइन का जो वैल्यू है, ठीक है, मैक्सिमम वो क्या होता है, वन होता है फॉर ऑल एक्स। तो यहाँ पे इसका मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, चूंकि ये आपका वन हो गया। अब देखो अंदर में जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये नो डाउट क्या है, ये या तो पॉजिटिव है, ये जीरो है फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि ये पॉजिटिव या जीरो है, तो आपका क्या होगा, सिंपली ये मॉड से बाहर आ जाएगा, जैसे हम लोग पहले भी बात किए थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ कि इसको मैं वापस कैसे लिख सकता हूँ, वापस मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स का स्क्वायर इस तरीके से प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है जी, लिख सकते हैं। चूंकि एक्स स्क्वायर को लिखेंगे मॉड एक्स स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो सिंपली बाहर भी रह सकता है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते हैं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस मॉड वाई का स्क्वायर, ठीक है जी। क्यों, तो देखो इसलिए कि अगर आप मॉड एक्स का स्क्वायर देखोगे तो ये क्या होता है, ये मॉड एक्स इंटू एक्स होगा, फिर इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ तो वही आ जाएगा, तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज आप पहले भी बात कर चुके हो। अब देखो जो मेरा मॉड एक्स का स्क्वायर है, ये क्या है, ये भी लेस देन डेल्टा का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी लेस देन डेल्टा का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जो कंसिडर किए हैं उसमें क्या है, मॉड एक्स लेस देन डेल्टा है और मॉड वाई क्या है, लेस देन डेल्टा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों इस तरह से आ गया, यानी आपका आ गया टू डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ एप्सिलॉन, तो फाइनली जो मेरा पूरा वैल्यू है जिसको मैं लेके चला था एफ एक्स वाई माइनस एफ जीरो जीरो, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या हो गया है, ये मेरा लेस देन एप्सिलॉन आ गया जी, ठीक है, कब, जब हम लोगों ने एक्स माइनस जीरो को लेस देन डेल्टा लिया था, ओके, वाई माइनस जीरो को लेस देन डेल्टा लिया था। और यहाँ पे डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशन भी है कि टू डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है, आपका एप्सिलॉन आया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो इसको इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा इज इक्वल टू रूट एप्सिलॉन बाई रूट टू, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या है कि आपका जो डेल्टा है वो सिंपली एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो सारी बात यहां से प्रूफ हो गई कि एफ एक्स वाई जो है वो एफ जीरो जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जब हमको एक्स जीरो को अप्रोच करता है, वाई जीरो को अप्रोच करता है, और डेल्टा यहाँ पे एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। सो यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन मैं कह सकता हूं कि बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो मेरा फंक्शन है एफ एक्स वाई क्या है, वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट जीरो जीरो, ठीक है। इस सारी बातें मैं कर चुका हूं, तो अब आप देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आप लिमिट में करते थे वही इम्पॉर्टेंट है, बस आपको कंटिन्यूटी में थोड़ा सा उसको एफ जीरो जीरो पर
लेके आना होता है, ठीक है। तो है वही चीज़। तो मैंने लिमिट के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जहाँ से आपको जो एप्सिलॉन डेल्टा भी क्वेश्चन का क्वेश्चन भी बताया है, तो वहां सब आपको कंटिन्यूटी चेकआउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। काफी आसानी से आप चेकआउट कर पाओगे, एग्जाम भी आपके लिए काफी ईजी रहेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखा रहा हूँ कि मेरा फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है वेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, ठीक है जी। और जीरो है जब एक्स वाई क्या है, जीरो है। देखो अब आप देखोगे ना कि सारे ही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ये मैंने लिमिट के क्वेश्चन में डिस्कस किया था, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। आप इसको पहले देख लेना कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर एग्जिस्ट करता है तभी कंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो मैंने एग्जिस्टेंस में काफी चीज डिस्कस किया था, ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको तुरंत पकड़ लोगे। तो ये आप बताना कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसका आप कंटिन्यूटी डिस्कस करो, डिस्कस कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एट जीरो जीरो, ठीक है। तो आप ये डिस्कस करना, बताना मेरे को, कमेंट जरूर करना कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है जी। तो आपको लगा होगा कि कंटिन्यूटी कुछ नहीं है, लिमिट ही है, बस उसमें थोड़ी सी बात बढ़ जाती है, जो हम लोग पिछले लेक्चर में काफी अच्छे से डिस्कस किए थे, ठीक है। तो कुछ नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज्यादा क्लैरिटी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, डेफिनेटली आप इसी तरीके से करते जाओ, ठीक है, बिल्कुल आसानी से बनता जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग का डिफरेंशिएशन चलेगा, जरूर उसको देखिएगा, कोई वीडियो आपको मिस नहीं करना। मैं आपको एकदम श्योर कह रहा हूं कि आपके लिए एकदम ये इजी हो जाएगा फंक्शन, रियल एनालिसिस कैलकुलस का क्वेश्चन, ठीक है। चाहे आप सीएसआईआर नेट की तैयारी करो, गेट की तैयारी करो, सब कुछ आपको काफी फिर ईजी लगने लगेगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।